जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? गुड। देखिए बच्चों, ये हमारी किसकी बुक है? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, तो आपको ये पता होगा कि हमारा फर्स्ट टर्म खत्म हो गया है, सेकंड टर्म शुरू होने वाला है, यानी फर्स्ट टर्म एंड हो गया और सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। ओके, जैसे आपने फर्स्ट टर्म को अच्छी तरह मेहनत करके पूरा किया है, ऐसे ही आपको सेकंड टर्म ही कंप्लीट करना है, मेहनत करना है, राइट? जैसे आपने अपनी स्टडी जारी रखा है, ऐसे ही आपको सेकंड टर्म में भी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को पूरा करना है। ओके, तो रेडी एवरीवन, हिंदी व्याकरण बुक निकालिए, फटाफट से निकालिए। ऑल स्टूडेंट्स मेरे साथ रीड करेंगे, सभी के हाथों में पेंसिल होनी चाहिए, रेडी हो जाइए फटाफट। चैप्टर नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5, लिंग यानी जेंडर, पेज नंबर 2525, चैप्टर नंबर 5। तो रेडी एवरीवन, रीड विद मी, नाउ स्टार्ट। पार्ट 5, लिंग जेंडर। देखिए, पढ़िए और समझिए। लड़का गायक, नाना पिता मोर। इन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है। लड़की गायिका, नानी माता मोरनी। इन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है, राइट? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग दो तरह के होते हैं। कौन कौन से लिंग के प्रकार? पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब देखेंगे नीचे, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। नीचे, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ओपन नेक्स्ट पेज, आगे अगला पेज खोलेंगे। देखिए, यहाँ कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं, उनको पढ़ेंगे। कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। दूल्हा दुल्हन, धोबी धोबिन, बूढ़ा बुढ़िया, हिरन हिरनी, गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, डिब्बा डिबिया, माली मालिन,
पति पत्नी, बैल गाय। इधर देखेंगे अब साइड में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, हाथी हथनी, नाग नागिन, ऊंट ऊंटनी, नौकर नौकरानी, दर्जी दर्जिन, राजकुमार राजकुमारी, मालिक मालकिन, सेठ सेठानी, शेर शेरनी, अध्यापक अध्यापिका। अब तक हमने सीखा जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। इस तरीके से आप सभी को रीडिंग करना है। आपको रीडिंग कम से कम 2 टाइम रीड करना है, कंपलसरी 2 टाइम। ओके okay?